हमारे पिछले वीडियोस से आपको रॉयल एनफील्ड्स ग्रैम 411 के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी, जिनमें से एक चीज जो हम बार बार दोहरा चुके हैं कि ये हिमालयन के छोटे भाई की तरह ही है, जो इनके कीमत में हल्के से फर्क से भी समझ ही आता है। तो आज के वीडियो में हम स्क्रैम और हिमालयन के हर एक यूज केस में फर्क की ओर ध्यान देंगे, जिससे आप फैसला कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी बाइक आपको ज्यादा अच्छे से सूट कर सकती है। पर वीडियो शुरू होने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस पॉइंट से जहां ज्यादातर राइडर्स सबसे ज्यादा वक्त बिताएंगे। हिमालयन के मुकाबले स्क्रैम 411 का थोड़ा छोटा और चौड़ा फ्रंट व्हील और थोड़ा कम वेट इसे पार्किंग और खास करके स्लो स्पीड राइडिंग में ज्यादा इजी टू हैंडल बना देता है। अब हम मानते हैं कि हिमालयन की तुलना में कम वेट के बावजूद स्क्रैम 411 कुछ खास हल्का नहीं है, पर कुछ स्पेसिफिक चीजों में जैसे यू टर्न लेना, ये हिमालयन से ज्यादा आसानी से कर लेता है। और बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ भी फर्क कम ही है। जैसे आप देख सकते हैं 60 और फिर 100 के स्पीड तक भी स्क्रैम थोड़ा आगे ही है। इन गियर एक्सेलरेशन में भी अपने थोड़े कम वेट के वजह से स्क्रैम 40-80 किलोमीटर पर आर रोल ऑन्स में थोड़ा आगे है, भले ही फर्क कुछ ही मिलीसेकंड्स का ही क्यों ना हो। और इसलिए सिटी राइडिंग परफॉर्मेंस में हिमालयन और स्क्रैम के बीच का फर्क 19-20 का ही है। स्क्रैम में छोटे फ्रंट व्हील के साथ इसका सस्पेंशन सेटिंग भी हिमालयन से थोड़ा फर्म है, और इन दोनों चीजों का एडवांटेज खास करके ट्विस्टी रोड्स में साफ दिखता है। हिमालयन की तुलना में हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हुए स्क्रैम ना ही सिर्फ ज्यादा कंट्रोलेबल है, बल्कि इसमें डायरेक्शन चेंजेस करना भी थोड़ा और आसान है। टूरिंग के मामले में अब तक हिमालयन ही हमारा चॉइस था, लेकिन स्क्रैम 411 के आने से हो सकता है कि ये बदल जाए। सबसे पहले इसका सीट हिमालयन से ज्यादा फर्म होने के साथ सीट मटेरियल भी थोड़ा मोटा है, जो लंबे राइड ज्यादा आसान बना देता है। फिर वैसे तो दोनों बाइक्स में एक ही जैसा इंजन है, तो दोनों का परफॉर्मेंस भी एक जैसा ही है, पर स्क्रैम में इंजन रिफाइनमेंट को हल्का सा इम्प्रूव किया गया है, जिस वजह से आप हिमालयन से थोड़ा ज्यादा हाई स्पीड्स कुछ और वक्त तक कर पाएंगे। हाँ, हिमालयन का फ्लाई स्क्रीन एक चीज है जो स्क्रैम में नहीं, और जिसका फर्क हाई स्पीड क्रूजिंग में समझ आता है, पर सच कहे तो विंडस्क्रीन सिर्फ ठंड के मौसम में ही काम आता है। साथ में विंडस्क्रीन के ना होने से स्क्रैम का हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी हिमालयन से लगभग 5 किलोमीटर पर लीटर कम है, पर अपने कम वेट के वजह से स्क्रैम इस फर्क को सिटी एफिशिएंसी में कवर अप कर लेता है, जो हिमालयन से 6 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा है। सीट की बात करें तो जबकि हिमालयन में आपको 2-पीस सीट मिलता है, स्क्रैम का सीट सिंगल पीस यूनिट है, जो ज्यादा चौड़ा और कंफर्टेबल है, और राइडर और पिलियन दोनों को बेशक अच्छा लगेगा, और हिमालयन से हल्का सा लो होने के वजह से ये कम हाइट के पिलियंस के लिए भी ज्यादा एक्सेसिबल है। पर फिर भी ज्यादातर पिलियंस हिमालयन को ही पसंद करेंगे, क्योंकि उसका पिलियन सीट ना ही सिर्फ लंबा है, जो स्क्रैम के थोड़े क्रैम्प्ड सीटिंग पोजीशन से बेहतर है, बल्कि हिमालयन के सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप के वजह से ये लॉन्ग राइड्स में थोड़ा और कंफर्टेबल भी है। और अब फाइनली मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, अब तक हमारे लिए ऑफ रोड राइडिंग में हिमालयन ही सबसे आगे था, लेकिन इसकी एक खामी भी थी कि बिगिनर ऑफ रोड राइडर्स इसे उतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाते थे, और यही एक जगह है जहां स्क्रैम बाजी मार जाता है। इसका थोड़ा कम वेट, इजियर अर्गोनॉमिक्स और कंपोस्ट सस्पेंशन सेटअप बिगिनर राइडर्स के लिए कई बेहतर है, और पूरी छवि देखें तो एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए भी स्क्रैम 411 ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। और फिर भी स्क्रैम में एक ऐसी चीज है, या इनफैक्ट नहीं है, जिसे मद्देनजर रखते हुए हमारे हिसाब से ये हिमालयन से थोड़ी मार जरूर खाता है। जबकि हिमालयन में स्विचेबल ABS मिलता है, स्क्रैम में ये ऑप्शन के तौर पे भी नहीं है, जो ऑफ रोड कंडीशंस में स्क्रैम के क्षमताओं पे असर जरूर करेगा। अब हम समझ सकते हैं कि बात सिर्फ एक ABS फ्यूज निकालने से भी बन सकती है,
पर हर बार अपने बाइक के इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ छेड़खानी करना भी अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि स्क्रैम 411 हिमालयन से करीब 11,000 से 13,000 रुपए ही सस्ता है, तो कीमत के मामले में भी दोनों आसपास ही हैं और इसलिए दोनों में फैसला करना आसान नहीं है। हाँ, हिमालयन के बड़े फ्रंट टायर और कंफर्टेबल सस्पेंशन की वजह से ये ऑफरोड राइडर्स के लिए बेशक अच्छा चॉइस है, पर स्क्रैम के पास भी हिमालयन की बराबरी करने के लिए कुछ तरकीबें हैं, जैसे कि इसका ऑप्शनल ट्रिपर पॉड जो लॉन्ग टूर्स में काफी यूजफुल है, या इसका ऑप्शनल चौड़ा हैंडल बार जो इसके एर्गोनॉमिक्स को और भी बेहतर करता है, और फाइनली इसे पूरी तरह से टूरिंग फ्रेंडली बनाने के लिए आप इस पे ऑप्शनल लगेज रैक भी लगवा सकते हैं। और इन सब के बाद भी हालांकि आपके स्क्रैम की कीमत लगभग हिमालयन जैसे ही हो जाएगी, पर ये ओवरऑल आपको ज्यादा अच्छे से सूट भी करेगी। तो सीरियस ऑफ रोड राइडिंग या टूरिंग के शौकीन के लिए हिमालयन अब भी एक भरोसेमंद साथी है। पर अगर आपका राइडिंग सीरियस ऑफ रोडिंग से ज्यादा डेली कम्यूट, स्पोर्ट राइडिंग और वीकेंड टूर्स ही है, तो स्क्रैम 411 आपके लिए बेहतर होगा, जहां इसके तमाम ऑप्शनल एक्सेसरीज इसके ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देंगे। तो स्क्रैम और हिमालयन के बीच में आपका फैसला किस ओर जाएगा और क्यों, कमेंट्स में जरूर बताइए। और ध्यान रहे कि रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 और एसजी स्क्रैम्बलर का रियल वर्ल्ड कंपैरिजन भी जल्द ही आएगा, तो बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रूल्स सब समय फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।